जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माधुरी एकेडमी में। तो आज की ये वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, आप लोग केयरफुली इसको रीड करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन आपको क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट है साइन ए और क्या निकालना है कॉस ए, और सेकंड में आपको साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्लियर हो जाएगा, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे। क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, राइट एंगल की बात किया है तो राइट एंगल कैसे बनेगा, यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या राइट एंगल, ये क्या हो जाएगा राइट एंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा क्या राइट एंगल। अब यहां पर नॉमिनेशन कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर बोला क्या है, यहां पर बोला है कि राइट एंगल जो होगा भाई वो क्या होगा बी होगा, क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा आपका राइट एंगल। और यहां पर देखिए राइट एंगल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको दिया गया है एबी की जो वैल्यू दी गई है, एबी की जो वैल्यू दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है। क्लियर, यहां पर ध्यान दीजिए बीसी की जो वैल्यू दी गई है, बीसी की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में कितनी साइड है, ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, तो उसमें से एक आपको नहीं पता है तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और प्लस क्या पी स्क्वायर। इट मींस क्या हुआ, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज आपको समझने योग्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझना है आपको। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा आपका बेस। अगर हम यहां पर सी लेते हैं, एंगल सी लेंगे तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा बेस। लेकिन यहां पर देखिए 90 डिग्री, यहां पर देखिए ये कितना है, ये है 90, कितना है 90 है, और इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, हमको हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, ये मान ये बेस है तो 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस क्या 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 576, और प्लस क्या 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। क्लियर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग एच स्क्वायर, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 का 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए 4 7 11 और 1 कितना 12 का 2, और कैरी 1 है तो 1 और 5 को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 625 आ गया। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए, यूनिट लिखना बहुत ही कंपलसरी है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तब भी आपका मार्क्स कट सकता है। क्लियर हो जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया आपको। यहां देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको अब हाइपोटेनस भी
पता चल गया, हाइपोटेनस निकल गया, बेस है और परपेंडिकुलर, सबको सब कुछ आपको पता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साइन ए का फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए मैंने आपको वीडियो दे रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से भी आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए निकालना है आपको, एंगल ए निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ए। तो एंगल ए, जो भी एंगल आपको निकालना है, जो भी एंगल आपको निकालना है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर है। और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ये फिक्स होता है, उसके बाद जो साइड बचेगी वही आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्लियर है। तो आइए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का पहला यानी कि साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल ए के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7 अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है कितना, 25। दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए कॉस ए, हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया दोस्त, कि कॉस ए, यहां पर देखिए एंगल ए के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो कॉस ए, कॉस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाली साइड हमेशा फिक्स होती है हाइपोटेनस के लिए, तो ये आपका क्या है, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, बेस हो जाएगा 24, हाइपोटेनस क्या है, 25। दिस इज फाइनल आंसर, यार समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला यहां पर समझते हैं, सेकेंड वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला जैसे आपको निकालना क्या है, साइन सी की वैल्यू, तो फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। तो यहां पर आइए फिगर में समझते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला, जो भी एंगल लेंगे, क्योंकि हम एंगल ए कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर। तो यहां पर हम एंगल सी ले रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं दोस्त, एंगल सी, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है कि 90 के सामने वाला वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। और यहां पर देखिए एंगल सी के सामने क्या हो जाएगा, एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली साइड जो बच रही वही क्या है, आपकी बेस हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट आप आंसर लिख लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 24 और अपॉन क्या, हाइपोटेनस 25। दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट समझिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस सी क्या है, कॉस सी, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कॉस सी फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो कॉस सी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा दोस्त, केवल एंगल चेंज हो रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। यहां पर देखिए बेस, यहां पर एंगल सी के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, 7, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, 25। दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर हो गया कि नहीं, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्लियर। तो आइए अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन फिगर 8.13 फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, तो यहां पर फिगर आपको दिख रहा है 8.13, क्लियर है। यहां पर देखिए फिगर में, यहां पर आपको दो साइड पता है और तीसरी नहीं पता है, तीसरी पता करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, क्लियर हो जाएगा। ये फिक्स होता है कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हाइपोटेनस होगा, क्लियर।
अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड निकालेंगे, क्लियर। तो यहां पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस क्या पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हाइपोटेनस दिया गया है कितना, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए बी नहीं पता है, क्या पता है यहां पर आपको 12, मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है, तो यहां पर बी को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और प्लस क्या 12 का स्क्वायर, क्लियर है। यहां पर देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और प्लस क्या 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144, क्लियर। अब इसको हम बॉर्डर पार भेज देंगे, बॉर्डर पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 169 और 144 को बॉर्डर पार भेज दीजिए तो -144 हो जाएगा, क्लियर। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 -144 करेंगे कितना आ जाएगा 25, क्लियर। तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट 25, क्लियर। इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, क्लियर। क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया बेस आ गया, क्या आ गया बेस आ गया, क्लियर। अब आपको सभी साइड पता चल गई है, यानी कि सभी साइड के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहां से, यहां पर देखिए ये वाली साइड भी हमको पता चल चुकी है क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्लियर 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं टेन पी और कॉट आर की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम लोग टेन पी निकालेंगे तो यहां पर देखिए टेन पी, तो यहां पे ये वाला एंगल लेंगे, अगर पी जाएगा पी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, एंगल पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। टेन पी देखिए टेन पी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो एंगल पी जो है, एंगल पी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर। और ये आपका क्या है, ये वाली साइड हाइपोटेनस है, जो बच रहा है वही साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए टेन पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन पी इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक वीडियो पहले से दे रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। और इज इक्वल्स टू यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, तो यहां पर देखिए इसके सामने वाला ये है क्या है परपेंडिकुलर है, इट मींस क्या हो जाएगा 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेस यानी कि 12, क्लियर। ये आपका क्या है, ये टेन पी की वैल्यू है। अब हम लोग निकालेंगे कॉट आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे कॉट आर की वैल्यू, मतलब एंगल आर, एंगल आर ध्यान दीजिए एंगल आर के सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल आर के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखिएगा कॉट कॉट आर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कॉट आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर ध्यान दीजिए इसके सामने वाला क्या है, एंगल आर के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए बेस हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्लियर। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करा देंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए टेन पी माइनस क्या, माइनस क्या हो जाएगा कॉट कॉट आर, तो यहां पर वैल्यू पुट करा दीजिए तो टेन पी की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करा है 5 अपॉन 12 माइनस, यहां पर ध्यान दीजिए कॉट आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करा है 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको बाहर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साइन साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन क्या 4, क्लियर है। और साइन ए का फॉर्मूला होता क्या है दोस्त, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेनस को कर्ण, क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए पी जो होता है पी आपका हो जाएगा क्या 3 और एच जो हो जाएगा यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखिए एक ट्रेंगिल से समझ लेते हैं, तो
तो ये एक है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा सा यहां पर देखिएगा आप लोग, क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर देखिए मैं नॉमिनेशन कर दे रहा हूं, ये ए बी नहीं दिख रहा है, देखिए नॉमिनेशन कर देता हूं ए बी और ये क्या हो जाएगा सी। यहां पर देखिए ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, क्लियर, इट मींस ये 4 हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद देखिए यहां पर एंगल ए लिया गया है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, इट मींस ये क्या हो जाएगा 3। अभी आपको क्या नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, इट मींस ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होती है बी स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर, क्लियर। इसको हम लोग यहां पर देखिए पी को बॉर्डर पार भेज दीजिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए बॉर्डर पार भेजेंगे तो एच स्क्वायर और इसको बॉर्डर पार भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्लियर है। अब इस पे आप वैल्यू चिपका दीजिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस क्या 3 का स्क्वायर, क्लियर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, इट मीन्स ये क्या आ गया, ये आपका आ गया क्या, ये आपका बेस आ गया, क्लियर है, ये क्या आ गया अंडर रूट 7, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कॉस ए, यहां पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब निकाल सकते हैं, क्लियर, क्यों निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बेस पता चल गया है, हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, क्लियर। तो यहां पर देखिए कॉस ए हम क्या निकालेंगे, यहां पर कॉस ए आपको निकालना है तो कॉस ए की का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन क्या हाइपोटेनस, यहां पर देखिए बेस क्या है आपका, बेस है अंडर रूट 7 और हाइपोटेनस आपका क्या है 4 है, क्लियर, दिस इज फाइनल आंसर। यार समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, क्लियर। यहां पर देखिए नेक्स्ट टैन ए को देख लेते हैं हम लोग, यहां पर ध्यान दीजिए आप टैन ए क्या देख लेते हैं, टैन ए क्या होता है, यानी कि टैन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, क्लियर, परपेंडिकुलर। यहां पर जो एंगल लिया जाएगा इसी पे आप फोकस करेंगे तो एंगल ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, इट मींस ये क्या हो जाएगा 3, क्लियर। और यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है तो अब बच क्या रहा है बेस, यानी कि बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, दिस इज फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं मजा आया, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड sec A, यानी कि साइन ए और sec A की वैल्यू आपको बतानी है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले वही काम जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है इसको हम लोग बाहर करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 cot A इज इक्वल्स टू क्या 8, क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये इनटू में है, अगर हम इसको यहां पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 15, क्लियर। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेस अपॉन क्या परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, बी यानी कि बेस आपका 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम से समझेंगे, उससे पहले मैं आपके लिए एक ट्रायंगल मेंटेन कर देता हूं। यहां पर ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर नॉमिनेशन भी कर दें ए बी और ये क्या हो जाएगा सी, क्लियर है। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर यानी कि एंगल ए लिया जा रहा है, जब भी जो भी एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड ही क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 15, क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिए इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस होगा और जो साइड बच रही वही क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, इट मींस ये कितना हो गया 8 हो गया, क्लियर, इट मींस ये क्या हो गया 8 हो गया, क्लियर है।
एट, क्लियर। यहां पर अब देखिए हम लोग लगाएंगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या, पी स्क्वायर, क्लियर है। तो अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, एच आपको निकालना है, इट मींस हाइपोटेनस ही आपको निकालना है। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा वैल्यू चिपकाएंगे, और जब वैल्यू आप लोग यहां पर चिपकाइए क्या है, बी क्या है आपका 8 का स्क्वायर और प्लस क्या, पी आपका है 15 का स्क्वायर। तो बी आपका जो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस क्या 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, क्लियर है। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इनको ऐड करिए, 225 प्लस 64 करेंगे 289 आ जाएगा, क्लियर है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 28 और क्या 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, क्लियर है। अंडर रूट 289 का अंडर रूट कितना होता है 17, क्लियर। यहां पर देखिए आपको यह भी पता चल गया कि हाइपोटेनस 17 आ गया है। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो यहां पर साइन ए लिखिए और साइन ए का फॉर्मूला चिपकाइए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। यहां पर ध्यान दीजिए एंगल ए आपको देखना है, तो एंगल ए के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा 17। दिस इज द फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं यार, आप लोग गजब खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट वाला आप लोग बताएंगे कि sec A इज इक्वल टू क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे sec A इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए sec A इज इक्वल टू होता है h अपॉन क्या b, इट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि हाइपोटेनस क्या है 17, क्लियर है 17, ये तो क्लियर है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए एंगल ए देखेंगे हम लोग, एंगल ए के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका 8, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8, दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर। यार समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा हुआ है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल जो होता है वो 6 होता है, क्लियर हो जाएगा कितना होता है 6। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या कोसेक, क्लियर है। ये टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने हैं, ये टोटल है 6, कितने 6 है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कौन क्या कोसेक, क्लियर है। इतना होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, ये हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहां पर देखिए एक आपको दिया गया है, एक आपको क्या दिया गया है sec थीटा, क्या दिया गया है, तो sec यहां पर ध्यान दीजिए sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया है 13 अपॉन 12, क्लियर। एक ट्रिंगल बनाएंगे और ट्रिंगल बनाने के बाद हम लोग यहां पर इसको ड्रॉ करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं ए बी और क्या हो जाएगा सी, क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिए sec थीटा जो होता है वो क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या बेस, क्लियर। तो यहां पर ये आपका बी क्या हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, इट मींस 13, क्लियर। यहां पर थीटा की बात कर रहे हैं तो हम इसको ले लेते हैं, एंगल सी को थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग यहां पर देखिए फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम जो होता है
वो कब यूज होता है, जब आपको दो साइड पता है और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी हो, उसके लिए ही हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर बाई बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और क्या प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है, यहां पर ध्यान दीजिए आपको क्या निकालना है, P यानी कि परपेंडिकुलर। तो हम B को क्या करेंगे बॉर्डर पार भेज देंगे, यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा, इधर बी प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को चिपकाएंगे, यहां पर वैल्यू को चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर और माइनस क्या बी की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्लियर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। क्लियर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यानी कि P की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 5। क्लियर, ये क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए sec थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है 13/12, यानी कि एक पता है, अदर और निकालना है 5 का और निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो साइन का हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे साइन का, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर, यहां पर ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर हाइपोटेनस आपका क्या है, हाइपोटेनस आपका क्या है 13, क्या है 13। क्लियर, यहां पर ध्यान दीजिए हाइपोटेनस आपका क्या है 13, और देखिए यहां पर थीटा दिया गया, तो थीटा के सामने वाली साइड में क्या है 5 है। क्लियर, तो यहां क्या हो जाएगा 5 और 5 अपॉन 13 ही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं यार, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो यानी कि सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। क्लियर, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। तो यहां पर ध्यान दीजिए बेस क्या है आपका, यहां पर ध्यान दीजिए फिर से थीटा पे गौर करेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो जो बच रहा है क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस 12 अपॉन क्या हो जाएगा 13। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, और इधर ये वाला भी आंसर हो गया। अब यहां पर देखिए आपको एक ये पता चल गया sec थीटा ये आपको गिवन था, और एक हमने ये फाइंड करा और ये दूसरा ये फाइंड करा, और तीसरा हम लोग निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर इट मींस क्या 5 और अपॉन क्या बेस क्या हो जाएगा 12। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। यार मजा, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, मजा आ रहा है कि नहीं, अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं यार कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, समझ में आ गया। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉट थीटा यहां पर ध्यान दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू इसको हम लोग देखिए और इजिली करेंगे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी अपॉन पी। ध्यान दीजिए tan थीटा का जस्ट उल्टा cot थीटा होता है, तो यहां पर देखिए tan थीटा का रिसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो यहां पर आप देख भी सकते हैं जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये आपका बेस क्या हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। यार मजा आया कि नहीं, ये जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको sec दिया हुआ है, अब हम लोग निकाल लेंगे क्या cosec। तो यहां पर ध्यान दीजिए cosec थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला ही, ध्यान दीजिए यहां पर एंगल हमेशा आप लोग ध्यान देंगे, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 13 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के सामने क्या है 5 है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं यार, मजा आया।